नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भोबिया, किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे उस राजा का जो सिकंदर को भी चुनौती देने की हिम्मत रखता था, उस सिकंदर को जो दुनिया को जीतने के लिए विजय यात्रा पर निकला था। नाम था राजा पोरस। वही राजा पोरस जो सिकंदर के सबसे बड़े दुश्मन थे, वही राजा पोरस जो सिकंदर के सबसे बड़े दोस्त थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे बड़े दुश्मन भी और सबसे बड़े दोस्त भी, ये कैसे? यही तो किस्सा और कहानी है। इस मजेदार कहानी को समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखिए। सन 1947 से पहले के भारत के पंजाब में जेलम से लेकर चिनाब नदी तक राजा पोरस का राज्य था। इसकी राजधानी पाकिस्तान में जो अब लाहौर है उसके आसपास थी। राजा पोरस पोरवा के वंशज थे। पहले भारत में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी। पंजाब में जेलम के आसपास जो क्षेत्र था उसमें सबसे ताकतवर राजा कोई था तो वे थे राजा पोरस। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में सिकंदर विश्व विजय पर निकले थे। सिकंदर विश्व को जीत रहे थे। जिसने सिकंदर के आगे सरेंडर कर दिया वो बच गया, जिसने आनाकानी की वो मारा गया या बंदी बना लिया गया। लेकिन जब सिकंदर की सेनाएं राजा पोरस की ओर बढ़ी तो राजा पोरस ने और राजाओं की तरह हार मानने से, आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना में 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे और राजा पोरस के पास कुल मिलाकर 20,000 के लगभग। पोरस ने सिकंदर की सेना के सामने अपनी सेना के हाथी खड़े कर दिए। अपनी सेना का डर दिखा दिखा कर जो सिकंदर अपने माथे पर जीत का सहरा बांध कर घूम रहा था, ये देख कर वो भी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी सेना के सामने कोई राजा अपने हाथी उतारने की हिम्मत कर सकता है। अक्सर राजा सिकंदर के सामने युद्ध से ज्यादा तवज्जो संधि को देते थे, क्योंकि जिससे सिकंदर की संधि हो जाती थी उसे सिकंदर नुकसान नहीं पहुंचाता था। राजा पोरस पूरी वीरता से युद्ध के मैदान में उतर गए। काफी दिनों तक युद्ध चला। अब राजा पोरस की सेना युद्ध के मैदान में टिक नहीं पा रही थी और सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान हुआ था। लेकिन आखिरकार राजा पोरस हार गए। हार के बाद जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पोरस से सवाल किया कि बताइए आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। इस सवाल के जवाब में पोरस ने सिकंदर से पूरे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ कहा कि ठीक वैसा ही जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। सिकंदर को यह जवाब पसंद आया और सिकंदर समझ गया कि अब राजा पोरस को दोस्त बना लेना चाहिए, क्योंकि यह राजा दब्बू नहीं है, डरपोक नहीं है और इसके रहते सिकंदर की सेना की विजय यात्रा मुश्किल हो सकती है। झट सिकंदर ने राजा पोरस को दोस्त बना लिया। सिकंदर ने अपने मतलब के लिए ये दोस्ती की थी, लेकिन राजा पोरस के दबदबे के कारण सिकंदर कभी भी सिंध नदी के पार यानी आज के भारत में अपनी ताकत नहीं दिखा सका। आपको यह किस्सा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।